भागवत कथा में धूमधाम से मनाया नंद महोत्सव। पृथ्वी पर जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विविध रूपों में अवतार लेते हैं और पृथ्वी को असुरों से विहीन कर पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान की बनाई हुई सत्ता बड़ी ही सुंदर और सहज है। कुछ अराजक तत्व इसे असहज बना देते हैं और लोगों को भयभीत करते हैं। मानव जीवन तो बड़ी ही सहजता से भरा हुआ है। भगवान के प्रेम में, भगवान की आराधना में, महोत्सव में जिसका जीवन सजा हुआ है उसी का जीवन सुखमय है। जिस परिवार के सभी सदस्य एक ही घर में रहते हैं, एक स्थान पर भोजन और भजन करते हैं, उस परिवार के ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा होती है। ठीक वैसे ही ये पूरी पृथ्वी जो भगवान का घर है, हम सबको मिलकर के एक साथ ही बड़े ही प्रेम पूर्वक सहजता से जीवन को उत्सव बनाते हुए जीवन यापन करना चाहिए और हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। हम भटके नहीं, समाज में प्रेम बढ़ाएं, भगवान की भक्ति में रमे रहें। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मध्य में चतुर्थ दिवस की कथा में वामन अवतार व भगवान श्री राम का जन्म, श्री कृष्ण जन्म की कथा को श्रवण कराते हुए कथा व्यास रामजी शरण शास्त्री जी महाराज ने कहा कि भगवान का जन्म बड़ा ही दिव्य है। भगवान वैसे तो सृष्टि के कण कण में विराजमान है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम कथाओं के माध्यम से, भजन के माध्यम से अपने हृदय प्रदेश को ब्रज वृंदावन बना करके हर एक दिन अपने हृदय में भगवान का जन्म कराते रहें, उनकी याद करते रहें, उनके उत्सव में डूबे रहें। इससे अच्छा जीवन और किसी का हो नहीं सकता। कलयुग में तो भगवान बहुत ही सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। जन्म लिया है